हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कैब कैब मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये हमारा बहुत पुराना ओल्डेस्ट एडवाइजरी बॉडी है जो कैलकटा यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन पे बना था इंडिपेंडेंस से पहले क्योंकि आपको पता होगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी स्कूल का काम और हायर एजुकेशन का काम दोनों ही बर्डन उनके ऊपर आ गया था तो एजुकेशन सिस्टम बहुत क्या है उथल पुथल चल रहा था उस वजह से उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करा कि भाई कोई और भी कमेटी बनाइए जिससे हमारा बर्डन कम हो और एजुकेशन सिस्टम बहुत स्मूथली रन करे ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द हाइस्ट एडवाइजरी बॉडी इन द इंडिया टू एडवाइज एंड टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन राइट जो मैंने आपका अभी बोला इट वॉज एस्टब्लिस्ड इन नाइनटीन ट्वेंटी एज अ रियलाइजेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बट इट इज़ डिजॉल्व्ड इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री क्यों जस्ट बिकॉज ऑफ मेजर ऑफ इकोनॉमी ठीक है बट इट वॉज रिवाइव्ड इन नाइनटीन थर्टी फाइव एंड देन इट कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टल नाइनटीन फोर्टी फोर उसके बाद ये फिर दोबारा डिजोल्व हो गई फिर दोबारा बनाई गई इट हैज बिन रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाई द गवर्नमेंट इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ठीक है कैब कमिटी वज सेटअप इन सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर जो अब तक चलती आ रही है दिस बोर्ड इस बोर्ड के अंदर कौन कौन से मेम्बर्स आते हैं लोकसभा राज्यसभा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हायर सेक्रेटरीज डायरेक्टर वो भी इसमें आते हैं पढ़ी दिस बोर्ड कंसिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस इंटरेस्ट इन एडिशन टू इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा जो मैं अब आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं वैसे तो नहीं पूछते हैं बट आपसे पूछ भी सकते हैं ठीक है भाई इसमें कौन कौन से पर्सनस आते हैं देखो मैंने लिख दिया है द कम्पोजिशन ऑफ कैब इज एज अंडर देखो जैसे कि चेयरमैन चेयरमैन कहाँ से आता है देख लो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम एच आर डी से ठीक है ना वाइस चेयरमैन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से कोई ना कोई आएगा देखो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या आता है इट इंक्लूड्स सेवन सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ एजुकेशन विच हेल्प इन प्लानिंग और प्लानिंग कमीशन से भी आते हैं ठीक है फिर स्टेट गवर्नमेंट से देखो या यूनियन टेरेट्री से देखो एम एच आर डी से दो लोग आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गए सेंट्रल मिनिस्टर्स आ जाएंगे और यहाँ पे अब स्टेट गवर्नमेंट से आ जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज वन ईच यूजली मिनिस्टर इन चार्ज इन द एजुकेशन ये सारे के सारे कौन सी कमेटी में आते हैं कैब की कमेटीज़ में आते हैं ठीक है चलिए अब पढ़ते हैं टॉपिक्स ऑन विच कैब गिव एडवाइस टू तो द गवर्नमेंट ठीक है ना भाई तो हम नाम ही बता रहा है सेंट्रल एडवाइसरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भाई एडवाइज ही तो देगा पढ़ो हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है ना देखो पहला वही आ गया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल एंड अदर इश्यूज़ रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन इस पर एडवाइस देगा गर्ल एजुकेशन एंड कॉमन स्कूल सिस्टम फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फिर ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन सब पे एडवाइस देता है इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल एजुकेशन इन द स्कूल क्यूरिकुलम भैया लोगों को कल्चर के बच्चों को कल्चर के बारे में भी पता चले ठीक है ना रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर द टेक्सट बुक एंड पैरल टेक्स्ट बुक टॉट इन स्कूल आउटसाइड द गवर्मेंट सिस्टम ठीक है फिर देखिए फाइनेंशियल ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ठीक है ना कभी फाइनेंशियल एडवाइस देता है हायर और टेक्निकल एजुकेशन के लिए और कहा एडवाइस देता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर द टेक्स्ट बुक एंड पैरेलल टेक्स्ट बुक टॉट इन स्कूल आउटसाइड द गवर्नमेंट सिस्टम ठीक है ना कि भैया आप एक इस तरीके की एजुकेशन देंगे जिससे बच्चों के अंदर कल्चरल सोशल सारी वैल्यूज डेवलप हों राइट अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टि के बारे में टू प्रोवाइड सजेशन टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री इन प्रिपेयरिंग द सिलेबस ठीक है ना कि भाई देखो एन को भी बोलेगा कि भाई एक, एक ऐसा सिलेबस बनाएगी जो हर एक बच्चे के लिए क्या हो एक्सेप्टेबल हो राइट थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है भी वन सेकेंड हाँ नाउ इट इज क्लियर ठीक है फिर देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट एंड सेंट्रल क्यूँ टू शेयर देयर व्यूज़ अबाउट इम्प्रूविंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ठीक है भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करे हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन द कंट्री इट गिव एडवाइस टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन ठीक है ना कि अगर कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेगा एडवाइस भी देगा और क्या करते हैं अपॉइंट कमिटीज़ क्यू फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन वेरियस एजुकेशनल इश्यूज ठीक है जैसे ना जैसे अब आप देखिए ना अभी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी लेकर आ गया कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में कोई ना कोई इश्यूज होंगे तो इसीलिए तो नई पॉलिसी पब्लिश करी है राइट फिर देखिए टू आस्क फॉर एक्सपर्ट रिव्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन एंड सजेशन बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी से क्या करते हैं एन से और इंस्टीट्यूशन से क्या करते हैं भाई सजेशंस लेते हैं रिव्यूज लेते हैं रेगुलर इंटरवल पे कि एजुकेशनल में क्या क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए कुछ चेंजेस अच्छे हैं कुछ चेंजेस बुरे हैं ये सब कुछ कैस का काम है कैब का काम है ठीक है ना फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एन जी इंस्टीट्यूशन इन मैटर्स ठीक है परटेनिंग टू एजुकेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं देखिए फंक्शंस उससे रिलेटेड ही हैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही हैं देखो टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम कि भैया इंस्टीट्यूशन हैं एलिमेंट्री एजुकेशन है सेकेंडरी एजुकेशन है, है वहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर क्या होंगे इंस्पेक्शन होंगे रिव्यूज़ लिए जाएंगे बच्चों के बच्चों की प्रोग्रेस देखी जाएगी कि भैया कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत तो नहीं है एजुकेशन सिस्टम में ठीक है नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है देखो नेक्स्ट देखिए टू अप्रेज द एक्सटेंट एंड मैनर इन विच द एजुकेशन पॉलिसीज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के भी अगर कोई भी हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसको साथ दें और उसे आगे क्या करें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करें टू एडवाइज़ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द कॉर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज क्यू फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द एजुकेशनल पॉलिसी ठीक है ना कि भैया देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने एन जी ओज़ और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी क्या करें टाइप अप करें और एजुकेशनल पॉलिसीज़ क्या है ईजीली क्या है लोग मान रहे हैं इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है स्कूल में और एजुकेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन पॉलिसी किस अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको भी चेक करें ठीक है फिर फोर्थ फंक्शन देखो टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर देअर कॉमन कंसर्न रिव्यू देअर एक्सपीरियंस एंड एनविजन फॉर फ्यूचर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दी एजुकेशन ठीक है ना कि भैया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ आएँ अपने कंसर्नस बताएँ और आगे क्या करें अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम और अच्छी बेटर एजुकेशन बना सकें तो ये भी कहाँ आएगा कि आपके अंडर आएगा टू एडवाइज़ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी एजुकेशनल क्वेश्चन जो हम पीछे भी पढ़ा सिक्स देखिए कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड कमेंट्स फॉरम एजुकेशनल एक्सपर्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इंस्टीट्यूट्स एंड एन जी ओज ऑन एजुकेशनल मैटर जो मैंने आपको बोला कि भाई क्या करेंगे रेगुलर इंस्पेक्शन होता रहेगा देखते रहेंगे कि भैया जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जो भी हम एजुकेशनल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं हमारा वो सब कुछ ठीक से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है ना तो उनसे क्या करेगा इंफॉमेशनस मिलेगा उनकी राय भी लेगा they also appoint committees as may be necessary for studying or making recommendation on diverse education issues right right yahi functions hai cab ke bhai dekho cab kya hai central advisory board of education hai theek hai na अब भाई नाम ही बता रहा है कि एडवाइस देगा किसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अब एडवाइस किस चीज़ पे देगा एजुकेशन पे ही देगा और एडवाइस देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा डाटा इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे भाई वो एन जी हैं स्टेट है सेंट्रल गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ओपिनियन लेगा उनकी राय लेगा कि भैया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या जो एजुकेशन स्ट्रक्चर अभी इंडिया में है वो अच्छे से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है उसमें कोई ड्रॉबैक है तो आप हमें बताइए जो हम एम के साथ क्या करें आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लाने पर ट्राई करें फिर हम एन को बोलें कुछ इस तरीके की टेक्स्ट बुक्स बनाइए या कुछ उसमें टॉपिक्स हटाइए या उसमें कुछ टॉपिक ऐड कीजिए जिससे एजुकेशन सिस्टम क्या है और अच्छा चले राइट ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिख दूंगी आप मुझे मेल कर देना मैं आपको पीडीएफ भी कर दूंगी थैंक यू